दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने आज तक काफी अलग अलग तरह के फल खाए होंगे या फिर उन्हें देखा भी होगा, लेकिन आज हम आपके लिए 10 ऐसे फल लेकर आए हैं जिन्हें देखने का मौका सबको नहीं मिलता। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, हमने हाल ही में इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाया था, जिसे आपने बेहद प्यार भी दिया, इसीलिए हमने आप सबके लिए इस वीडियो का स्पेशल पार्ट 3 भी बनाया है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। नंबर 1, ऑर्गेंग्लो वाटरमेलन। अभी जिस फल के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो कोई आम फल बिल्कुल भी नहीं है। भले ही ये बाहर से एक आम वाटरमेलन की तरह जरूर दिख रहा है, लेकिन इसकी खास बात तो इसे कट करने के बाद ही पता चलेगी। असल में वाटरमेलन जो होते हैं वो अंदर से हल्के लाल रंग के होते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है। ये फल अंदर से पूरी तरह येलो या फिर ऑरेंज रंग का होता है, जिसे कि शायद ही आपने कभी देखा या फिर खाया होगा। ये फल गर्मियों के मौसम में ही पकता है, जिसे कि 3 महीने तक का वक्त लग सकता है। अब हम इसके टेस्ट के बारे में बता करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फल मैंगो और पपाया के कॉम्बिनेशन जैसा होता है, जो कि काफी हद तक मीठा हो सकता है। आप अगर सर्दियों के मौसम में वाटरमेलन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, लेकिन ऑरेंगेग्लो वाटरमेलन जो है वो सर्दियों में भी उतनी ही मिठास देते हैं जितनी की गर्मियों के मौसम में होती है। और इसकी वजह से बहुत ही ऐसे देश है जहाँ पर इस वाटरमेलन को आम वाटरमेलन से ज्यादा खाया जाता है। अफ्रीकन टीक फ्रूट। ये फ्रूट दिखने में बड़ा ही अजीब और कैटरपिलर जैसा दिखता है। इसके रॉ या फिर जूस को स्वाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फल बाकियों जैसे छोटे पेड़ों पर नहीं होता, बल्कि 165 फीट यानी कि 50 मीटर तक की ऊंचाई पर पकता है, जिन्हें निकालना कोई आम बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ये फल भी हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जिसमें बेहद से पोषक पदार्थ होते हैं। इससे बनाई दवाइयों का इस्तेमाल हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, स्किन प्रॉब्लम्स, डिसेंट्री, वाउट, कफ आदि पर किया जाता है। फिर भी इस फल को अफ्रीका में एक आम एडिबल फ्रूट का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हमें तो पता चल चुका है कि ये जो फल है वो हमारे लिए कितना लाभदायक है। इस फल के इतने ज्यादा लाभदायक होने के लिए एक लाइक तो बनता है। सिंपो एयर। इस फल का नाम भले ही अजीब हो, लेकिन ये दिखने में और खाने में बड़े ही लाजवाब होते हैं। इस प्रजाति को 1886 में डिस्कवर किया गया था, जो कि आज भी काफी लोगों द्वारा नहीं देखा गया है। इस पेड़ के पत्ते आम पेड़ों के पत्तों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े होते हैं, और इस फल की बात की जाए तो ये पकने से 24 घंटे पहले एक आम फल की तरह ही होते हैं, लेकिन पूरी तरह पक जाने के बाद ये फल एक फूल की तरह खुल जाता है, जो कि असल में एक स्टार शेप जैसा होता है। खुलने के बाद अगर कोई इन्हें देखता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि ये एक फल है, क्योंकि ये दिखता ही एक फूल जैसा है। इसे भी एक मेडिसिन जैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस फल की मदद से इचिंग जैसी बीमारियां रोकी जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर हम इस फल को अपने बालों पर लगाएं तो हमारे बालों की ग्रोथ पहले से काफी बेहतर तरीके से हो सकती है, और जानवरों में सबसे ज्यादा बंदरों को ये फल काफी पसंद होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट में पार्ट 4 लिखकर जरूर बताएं। यार प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट इज म्यामे सपोटे। हमारे काफी मनपसंद खाने की चीजें होती हैं, जो कि किस तरह बनती है वो शायद ही आपको पता होगा, लेकिन हम आपको उन्हीं में से कुछ खास चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि असल में कैसे बनती है। म्यामे सपोट इस फल के बारे में काफी कम लोग जानते हैं, लेकिन ये फल बहुत ही स्वादिष्ट चीजें बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे कि वनीला आइसक्रीम, वाइन, जम ब्रेड वगैरह। ये सब चीजें हम रोज ही खाते हैं, लेकिन फिर भी इस फल के बारे में कुछ लोगों को पता भी नहीं होता। ये फल मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है। अगर आप इस फल को खाएंगे तो ये खुद भी वनीला और नटमेग जैसा टेस्ट देता है, जो कि खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होता है। अगर आपको भी वनीला आइसक्रीम पसंद है तो आपको ये फल एक बार जरूर खाना चाहिए। नेक्स्ट इज सिलोन हिल गुजबेरी। रसबेरी खाना बहुत लोगों को पसंद होता है, लेकिन आज हम उस जैसे ही एक अलग फल के बारे में जानने वाले हैं, जिसे सिलोन हिल गुजबेरी के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता था, लेकिन आज ये फल ऑस्ट्रेलिया, फ्लोरिडा या फिर शायद हमारे आसपास भी देखने को मिल सकता है। इस फल को भी काफी कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये फल भी हम इंसानों के लिए काफी आवश्यक है, क्योंकि इस फल की मदद से डायरिया जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। इतना ही नहीं, इन पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो भी हमारे पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और इसकी वजह से डॉक्टर्स भी इस फल को ज्यादा से ज्यादा खाने की सलाह भी देते हैं, लेकिन हम इसे पूरा पक जाने के बाद ही खा सकते हैं, वरना इसे ना ही खाएं तो बेहतर है। ड्यूरियो क्रेसिस्पेस। दुनिया के सबसे रेयर फलों की लिस्ट में ये फल भी है, जिसे ड्यूरियो क्रेसिस्पेस के नाम से जाना जाता है।
जो कि एशिया के बोर्नियो आइलैंड में पाया जाता है। कुछ लोग इनके कुछ प्रजाति के फल को किंग ऑफ फ्रूट के नाम से भी पहचानते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये जो फल है वो काफी बड़े आकार का होने के साथ साथ बाहर से बहुत कठोर भी होता है, जिसकी साइज तकरीबन 30 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है, जो कि आम फलों से काफी हद तक ज्यादा है। जब ये फल पकने के कालावधि में होता है तब इसका रंग शुरुआत में ग्रीन और ब्राउन होता है, जो कि बाद में येलो और आखिर में लाल रंग का देखने को मिलता है। इसके टेस्ट की बात की जाए तो इसके फल की मदद से साउथ एशिया जैसी जगहों पर बेहद से स्वीट डेजर्ट बनाए जाते हैं, लेकिन इस फल को आप तब ही खा सकते हैं जब ये पूरी तरह से पक जाए। अगर आप इसे पकने से पहले ही खाने की कोशिश करें तो ये काफी बदबूदार होता है, जिसे शायद ही आपका खाने का मन होगा। नेक्स्ट इज जाति ओहिर्जा मकारंथा, जो कि ट्रॉपिकल अफ्रीका में पाया जाता है। इस तरह के कांटे से भरे फल शायद आप में से बहुत से लोगों ने देखे भी होंगे, लेकिन ये उनसे काफी ज्यादा अलग है बाहर से भी और अंदर से भी। ये इतना कांटे से भरा होने के कारण शायद ही कोई इनकी खेती करना चाहेगा, लेकिन इसका जो पेड़ होता है वो हम इंसानों के लिए बेहद लाभदायक होता है। वो इस तरह कि इसके पेड़ की पत्तियां जो होती हैं, उसी की मदद से अगर दवाई बनाई जाए तो उसके ड्रॉप से हम इंसानों के कान नाक और आंखें बेहद सी बीमारियों से बच सकती हैं। और यही कारण हो सकता है कि ये फल आज भी उगाया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो फल है वो बाहर से कैसा भी हो लेकिन अंदर से काफी मीठा और क्रीमी होता है। जो लोग मीठा खाना पसंद करते हैं खासकर उन्हें ये फल ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन इसे खाने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये कांटों से भरा होता है। तो क्या दोस्तों आप भी इस फल को टेस्ट करना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट इज पाइनएप्पल गुआवा। हम हमारे नजदीकी मार्केट में जाएं तो वहां पर हमें पाइनएप्पल तो जरूर देखने को मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो फल है वो अभी एक आम फल है, लेकिन उसी तरह का एक और ऐसा भी फल है जिसे काफी कम लोगों ने चखा है क्योंकि ये हमारे आसपास देखने को नहीं मिलता है, जिसका नाम है पाइनएप्पल गुआवा और इसे फिजुआ नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्राजील और अर्जेंटीना के माउंटेन में पाया जाने वाला फल है। ये बाहर से देखने पर एक आम फल जैसा जरूर दिखता हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। पाइनएप्पल गुआवा टेस्ट में कुछ हद तक ही पाइनएप्पल जैसा होता है। इसे काटने पर हम अंदर से देख सकते हैं कि क्रीमी जेली से ये भरा हुआ है, जिसकी मदद से आइसक्रीम या फिर जेली जैसे पदार्थ बनाए जाते हैं, जो कि खासकर बच्चों को ज्यादा पसंद आते हैं। अगर बच्चे फल खाने से मना कर रहे हो तो उन्हें ये फल एक बार जरूर चखना चाहिए, शायद ये फल भी उन्हें पसंद आ सकता है। सैल्मन बेरी। अब तक हमने बेरी के बेहद से प्रकार देखे, जिनके नाम में बेरी शब्द तो जरूर था लेकिन वो एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग थे। उसी तरह एक और फल भी है जो कि सैल्मन बेरी के नाम से जाना जाता है। ये फल नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में पाया जाता है, जहाँ पर जिस जगह पानी हो उसके आसपास की जगह पर ये फल आपको शायद से देखने को मिल सकते हैं, जो कि हल्के लाल या फिर गोल्डन येलो इन जैसे रंगों में होते हैं। इनके टेस्ट की बात की जाए तो वो इनके खुद के कलर पर डिपेंड होता है। अगर सैल्मन बेरी हल्के लाल रंग का हो तो आप उसे खा सकते हैं और वो खाने में आपको हल्का सा मीठा भी लगेगा, लेकिन ये कोई और रंग में है और इनमें जरा भी टेस्ट नहीं होता। इस फल से काफी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि वाइन, जम, वैली वगैरह। और अगर हम इनके नाम के बारे में जाने तो ये सिर्फ इनके लुक्स की वजह से रखा गया है, इसके टेस्ट का इनके नाम से कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट इज ट्राइकोसेंथिस सेपिलोकेंसिस। इससे पहले तो इस पेड़ को ध्यान से देख लीजिए, क्या आपको लगता है कि इस पेड़ पर भी किसी तरह का फल उग सकता है? आप में से काफी लोगों का जवाब ना ही होगा, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पेड़ भले ही सूखा हुआ दिख रहा हो, लेकिन ये पेड़ सही में फलों को प्रोड्यूस करता है। आप जरा इसे जूम करके देखेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा कि इस पेड़ पर बेहद से अलग अलग रंग के फल हैं, और यही इस पेड़ की खासियत है। ये फल संतरे जैसे दिख रहे हों लेकिन अंदर से कुछ और ही होते हैं। जंगलों में काफी तरह के अलग अलग पेड़ जरूर होते हैं, लेकिन ये उनसे कुछ ज्यादा ही अलग है। तो क्या आपने ऐसे पेड़ और उन पर लगने वाले इस तरह के फल को देखा था? अगर नहीं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा अनोखा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और यार ये वीडियो बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दे और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।